न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं वृंदावन रेसिडेंसी ब्लेस हॉस्पिटल विघ्नेश्वरा मार्बल श्री जानकी स्टोर आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल श्री बालाजी फैशन बीएन घाटी सुधा उद्योग आसनसोल स्थित वेवल पार्क में कॉल सेंटर के आड़ में चल रहा था साइबर अपराध 6 गिरफ्तार कंप्यूटर और दस्तावेज जब्त बीजेपी करना हुआ अपराध आरोप बीजेपी करने के कारण गई नौकरी साउथ बंगाल फेडरेशन ऑफ चैम्बर एंड इंडस्ट्रीज ने प्रेस वार्ता कर सभी राजनीतिक दलों से लोकल प्रार्थी उतारने की मांग 8 सूत्री मांग रखी पब्लिक से किसी को कोई लेना देना नहीं कन्यापुर में सीतारामपुर बाराबनी रेलखंड पर रेल लाइन पर आवागमन को बंद करने का ग्रामीणों ने किया विरोध आसनसोल स्थित वेबल आईटी पार्क में फर्जी कॉल सेंटर का संचालन किया जा रहा था आज शाम साइबर क्राइम और हीरापुर थाने ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर इसका भंडाफोड़ किया यहां से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस ने बताया कि यह लोग विभिन्न कूपन का प्रलोभन देकर लोगों से ठगी करते थे यहां से देश भर के लोगों से ठगी का गिरोह संचालित हो रहा था शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जाल बिछा कर आज कार्रवाई की কোম্পানির নামে ফোন করতো যে আপনি গিফট কার্ড পেয়েছেন এই পেয়েছেন এগুলো পেতে গেলে আপনাদের এত টাকা দিতে হবে অ্যাকচুয়ালি কিছুই না এটা ফেক আর কি কাস্টমার ডিটেলস বিভিন্ন জোগাড় করে একটা ফোন করে এগুলো লোকের পাঠায় এখন পর্যন্ত আমরা 6 জন পেয়েছি আরো দেখছি আরো কিছু নাম বলছে আমরা দেখছি ওটা সাইবার সাইবার পোর্টাল না সাইবার পোর্টাল সাইবার কতদিন ধরে চলছে আমরা দেখছি ওটা ইনভেস্টিগেশন আসবে জাস্ট আমরা গেলাম बर्नपुर गुरुद्वारा कमेटी में दो गुटों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है अब गुरुद्वारा में स्थित स्कूल के प्रबंधक के खिलाफ एक गुट ने शिकायत की है मंगलवार बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने डीआई कार्यालय पहुंचकर डीआई को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा इनका आरोप है कि गुरुद्वारा बिल्डिंग में स्कूल प्रबंधन स्कूल चला रही है और सरकार से स्कूल के नाम पर लिए गए फंड के रुपये हजम किए जा रहे हैं गुरुद्वारा में सिखों के चंदे से डेवलपमेंट का कार्य किए जाते हैं स्कूल प्रबंधन उसी डेवलपमेंट को दिखाकर सरकार से स्कूल के नाम पर रुपये रही है स्कूल प्रबंधन कमेटी के प्रधान पर भी संगीन आरोप लगाया गया कि 18 साल से स्कूल प्रबंधन में बैठे एक करप्टेड चोर चरणजीत सिंह जो अपने आप को स्कूल प्रबंधक कमेटी का प्रधान कह रहे हैं वो अभी तक अपने आप को साबित नहीं कर सके कि वो उस पद पे किस हिसाब से बैठे हैं उनसे जब भी पूछा जाता है विज्ञात कल के दिन में उन्होंने भी प्रेस के मार्फत से बोला है कि उन्हें गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने बैठाया है तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने अगर आपको उस पद पे बैठाया है तो ज़रूर आपको किसी एक अपॉइंटमेंट लेटर के तहत बैठाया होगा अगर उनके पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर है तो वो प्रेस के मार्फत से या हमारे लेटर जो हम उन्हें आरटीआई के तौर से कर रहे हैं उन्हें आरटीआई के तौर से जवाब देते हुए हमें वो अपॉइंटमेंट लेटर सार्वजनिक किया जाए ताकि हमें पता लग सके कि किस डिपार्टमेंट में उन्हें बैठाया है और उसके बाद बहुत सारी ऐसी जो टीचर्स हैं जो स्कूल में पढ़ा रही हैं उन कितनी टीचिंग कितनी नॉन टीचिंग स्टाफ है और कितना जो फंड स्कूल में आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से किस लिए आ रहा है क्योंकि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपनी बिल्डिंग ये जो बिल्डिंग है और जिस बिल्डिंग में ये स्कूल है ये सिख समाज का स्कूल है ये कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं है कि जिसके ऊपर सरकार के फंड को लगाया जाएगा मौजूदा बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अभी तक उस बिल्डिंग के ऊपर जो भी डेवलपमेंट की है वो सिखों का जो डोनेशन आती है उस डोनेशन के तहत उस बिल्डिंग का सुचारू रूप से उसको सजाया और संवारा जा रहा है और ये जो करप्टेड लोग वहाँ पे बैठे हैं मैं इनको करप्टेड के साथ साथ चोर बोलूंगा क्योंकि ये सरकारी फंड की चोरी कर रहे हैं एक भी पार्टी कर तुम्हें ठीक से तुम्हारा ना सारे सारे कारखाना जरा बंद कर दिए थे तुम्हारे कारखाना तारा इतने बंद कर गए सेकंड तुम्हार झंडा झंडा लगबे अमर पाए रखो पाए फोड़ता हुआ कारखाना खुलेगा बानपुर दुर्गापुर के बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष के समर्थन में दीवार लेखन करने के कारण दो दो बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा भाजपा के दो कार्यकर्ता सुभाष गोप मिलन मंडल दुर्गापुर के शोभापुर गांव निवासी है ये दोनों निजी अस्पताल के कर्मचारी थे सुभाष गोप अस्पताल में सुरक्षा गार्ड और मिलन मंडल के पिता जयदेव मंडल एक सक्रिय भाजपा कार्यकर्ता है इनकी आय का एकमात्र स्रोत बंद होने से रातों की नींद उड़ गई है अब चिंता सता रही है कि कैसे नौकरी ढूंढे और परिवार कैसे चलाए उन्हें कहा जा रहा है कि
तृणमूल कार्यालय में जाकर सिर झुकाने से नौकरी मिल जाएगी, लेकिन वह लोग भी अड़े हैं कि भाजपा कार्यकर्ता ही रहेंगे और तृणमूल में नहीं जाएंगे। तृणमूल नेतृत्व ने इन आरोपों से इनकार किया। तृणमूल का कहना है कि यह सभी दावे निराधार है। इस बीच बर्दवान दुर्गापुर से बीजेपी प्रत्याशी दिलीप घोष ने कहा कि अगर इन दोनों को उनकी नौकरी वापस नहीं मिली तो इसका सही भाषा में जवाब दिया जाएगा। हमें बीजेपी कोड़ी बीजेपी दयाल निकलम से तृणमूल किसी नेता देखे तरा প্রচার করতে পারবি না বলতে আমি বিজেপি পার্টি করি তার জন্য আমার ছেলেকে বসিয়ে দিয়েছে। আপনি কি বিজেপি দেয়াল লিখেছেন? হ্যাঁ, দেয়াল লিখেছি, দেয়ালের রং করা হয়েছে, চুন দেওয়া হয়েছে। আমি একটা পুরনো কর্মী। ছেলে কোথায় কাজ করতো? ছেলে আইকিউসিটি কাজ করতো। কতদিন ধরে করতো? অনেক দিন ধরে কাজ করতো, আমি 4-5 বছর। তো আপনাকে জানালেন ব্যাপারটা? জানো বলতে শোনেন, আমার ছেলে গেছিলো, ছেলেকে বলেছে উপর নেতৃত্ব থেকে। উপর নেতৃত্ব বলতে তৃণমূলের নেতৃত্ব থেকে অর্ডার আছে যারা বিজেপি করবে তাদেরকে বসিয়ে দেওয়া যাবে। এখন তো ভারতীয় জনতা পার্টির তো একটাই কথা, যদি কেউ হোজট খায়, মোটরসাইকেল থেকে পড়ে যায়, কেউ হয়তো কাজ থেকে কাজ ঠিক মতো করেনি, রাত্রিবেলা ঘুমিয়ে গেছে, সেখান থেকে সরে গেলে তৃণমূলের নাম দিয়ে পার কর। এ বাংলার মাটিতে এসব চলবে না। বাংলার মাটিতে দেখুন, যে যেখানে কাজ করে সেখানে করুক, সেখানে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু কাজের কোনো ত্রুটি আছে কিনা সেটা তাকে প্রকাশ করে বলতে হবে। ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলতে হবে। বিজেপি যদি না পারছে আমাদেরকে বলুন, আমরা কি আমরা ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলবো? আমরা মানুষের সেবা, আমরা বলবো না আপনাকে তৃণমূল করতে, কিন্তু আপনার যাতে কাজ না যায় তার আপনি আমার ফোন নাম্বার নিয়ে নেবেন, আমি আপনার হয়ে বলতে যাবো। কালকে দেওয়াল লিখেছিল বলে আমার দুজন কর্মীকে কাজ থেকে ছাঁটাই করে দিয়েছে। আমি ওই কর্তৃপক্ষ বলতে চাইছি, চামচাগিরি একটা সীমা আছে, সে কি পার্টি করবে তুমি ঠিক করতে পারো না। সবাই সবাই কারখানা যারা বন্ধ করে দিয়েছে, তোমার কারখানা তারাই যদি বন্ধ করবে সেখানে তোমার ঝান্ডা, ওখানে ঝান্ডা লাগবে, আমার পায়ে লক্ষ পায়ে পড়তে হবে যে কারখানা খুলে দাও। সেদিন আসবে, আমরা বন্ধ করি না, আমরা খুলি। সেই জন্য এই ধরনের রাজনীতি যদি এই নেতাদের ভাষায় করে, দিলীপ ঘোষ কিন্তু ভোটের পরে হিসাব নেবে। आसनसोल के विख्यात वस्त्र प्रतिष्ठान बीएन घाटी में चल रहा है चैत्र सेल। 13 मार्च से 15 अप्रैल तक जल्द आए और उठाए चैत्र सेल का लाभ। साड़ी, शर्टिंग, सूटिंग, रेडीमेड गार्मेंट्स, लहंगा, कुर्ता, सूट पे मिनिमम 10% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, बीएन घाटी में पधारें और चैत्र सेल का लाभ उठाएं। बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रीन नाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरवाड़ी मंदिर के विपरीत, NH2 आसनसोल। अपना घर का सपना देखने वाले के लिए एसपी ब्रदर्स एंड कंपनी और एपीसी इंफ्रा लेकर आए हैं वृंदावन रेसिडेंसी। आसनसोल जुबली मोड़ से 7 मिनट और सीतारामपुर स्टेशन से 5 मिनट की दूरी पर, हाईवे से सटा हुआ टाउनशिप, एडीडीए से एनओसी, बंगलों के साथ ही शोरूम एवं ऑफिस के लिए कमर्शियल स्पेस, सभी सुविधाओं से संपन्न वृंदावन रेजिडेंसी, बच्चों के लिए गार्डन भी। तो जल्द रजिस्ट्रेशन और प्लॉट विजिट के लिए संपर्क करें 7977111599। वृंदावन रेसिडेंसी, NH2, शामली मोड़, इथुरा, आसनसोल। चैत्र सेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में। 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चैत्र सेल का लाभ उठाए और पाए 70% तक की छूट। श्री बालाजी फैशन, जीटी रोड, सुभाष सिनेमा के विपरीत, आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है।
रानीगंज में सीपीएम प्रत्याशी का बैनर फाड़ने और दीवार लेखन मिटाने का आरोप टीएमसी पर लगा है। इस घटना से इलाके में तनाव देखा जा रहा है। सीपीएम के संजय प्रमाणिक ने आरोप लगाया कि रानीगंज में सीपीएम कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए चुनाव प्रचार को मिटा दिया गया तथा पोस्टर बैनरों को फाड़ दिया गया है। हालांकि टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष रूपेश यादव ने आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि सीपीएम का आज के दिन में कोई अस्तित्व नहीं है तो टीएमसी के लोग क्यों किसी का बैनर पोस्टर फाड़ने जाएंगे। गौरतलब है कि आसनसोल लोकसभा में 13 मई को मतदान होना है। टीएमसी ने फिर से शत्रुघ्न सिन्हा को उतारा है। वहीं सीपीएम के प्रत्याशी जहानारा खान है जबकि भाजपा की ओर से प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। बुझते तो आईन प्रशासन भरोसा रेखे कर्म कर এবার দেখছি আমাদের শিয়ারসোল অঞ্চলে তৃণমূল বিজেপি দুজনেরই পায়ের তলা থেকে মাটি আর কি সরে গেছে সেটা বোঝা যাচ্ছে। এবং তারা করছে কি রাতের অন্ধকারের দিকে আমাদের যা ব্যানার পোস্টার দেওয়াল লেখা হচ্ছে সমস্ত কিছু মুছে দিচ্ছে। এই মুহূর্তে আপনার যেটা দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই ব্যানার যেটা দ্বিতীয় নম্বর ব্যানার আপনার ছিঁড়ে দেওয়া দেওয়াল আমাদের বুক করা দেওয়াল লিখিত পারমিশন নেওয়া সেই দেওয়াল চুন করে লিখে দিচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস লিখে যেমন গতকালই কুলকুলিপাড়ায় আমাদের দেওয়াল যেটা আছে দুলাল বাউড়ি যে দেওয়াল দেওয়াল আমাদের লিখিত পারমিশন আছে দেওয়ালে সেখানে মুছে আমরা লিখে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। বলার কিছু নাই, সিপিএম এর তো কিছু নেই, পায়েতলা জমি ফমি কিছু নাই, লোক নাই, জন নাই, কেউ কিছু নাই। বাস্তবে পোস্টার ছেঁড়া নিয়ে একটা গল্প তৈরি করা হচ্ছে, কারণ পোস্টারটা নিয়ে এই যে মিডিয়া হাইপটা পাবে, আপনাদের কভারেজ পাবে, কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখেছি কখনো কখনো দেখবেন গরু মুখ দিয়ে পোস্টারটা ছিঁড়ে দেয়, মনে হবে মানুষ ছিঁড়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসকে পোস্টার ছিঁড়া দরকার পড়বে না, তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে মানুষ আছে। साउथ बंगाल फेडरेशन ऑफ चेंबर एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आसनसोल लोकसभा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इसको जगदीश बागड़ी, वीके ढल, हरि नारायण अग्रवाल, अलीन जलाल, पवन गुटगुटिया ने संबोधित किया। उन लोगों ने मांग रखा कि आसनसोल से भूमिपुत्र को ही प्रत्याशी बनाया जाए, इसके अलावा आसनसोल की पुरानी गरिमा को वापस लौटाने की पहल करे, ऐसा सांसद होना चाहिए। उनकी ओर से 8 सूत्री मांग राजनीतिक दलों के समक्ष रखी गयी। जैसा की आप लोग को सबको पता है लोकसभा चुनाव आसनसोल का 13 मई को होने वाला है, उसको लेके अभी भी बहुत सारे पार्टी का कैंडिडेट वगैरह कुछ फाइनल नहीं हुआ है। सब जगह से डिमांड आ रहा है इस बार कि लोकल कैंडिडेट होना चाहिए। लोकल कैंडिडेट के संदर्भ में हम आज एक प्रेस रिलीज हम लोग कर रहे हैं कि आप लोग के माध्यम से सारी पॉलिटिकल पार्टी को ये खबर चली जानी चाहिए। पश्चिम बर्धमान जो जिला है इसमें दो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, आसनसोल और दुर्गापुर बर्धमान, तो दोनों जो है पहले रूर ऑफ इंडिया बोला जाता था। यहाँ मैंने जर्मनी में रूर बोल के एक शहर है वहाँ सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री था, इसको मिनी भारत बोला जाता था। और इसमें यहाँ पर कोई कम्युनिटी नहीं है कि मुस्लिम का वोट होगा या हिंदू का वोट होगा या कुछ नहीं, यहाँ पर एक बिजनेस कम्युनिटी है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई। 8% जो वोटर है वो व्यवसायी, 30% जो है वो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज है, तो 90% आदमी जो है उसका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है। यहाँ का लोकल आदमी होगा तभी होगा। इसके आगे 2014 से लेकर अभी तक 3 बार एमपी का चुनाव हुआ, यहाँ पर एक बाई इलेक्शन और 2 बाहर का आदमी आया, चीफ गेस्ट की तरह रहा, कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं, हफ्ता में तो क्या महीना में 1-2 बार आता था, 2-4 जगह फीता काटता था, भाषण देता था, चला जाता था। पब्लिक से किसी को कोई लेना देना नहीं। तृणमूल ने घोषित किया है कैंडिडेट, वो आपको भी पता है हमको भी पता है, वो जो 42 कैंडिडेट घोषित किया था उसके आगे उनको घोषित कर दिया गया। आज जो भी तृणमूल का कैंडिडेट है आगे हो चुका है, 2 महीना में उनका हम लोग कोई एक्टिविटी नहीं देखे। 2 महीना जब आपको टाइम मिला तो आप तो सब आदमी से मिल के उनका प्रॉब्लम पूछिए, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि रूलिंग पार्टी का ही आदमी होना चाहिए। हम लोग तो रूलिंग पार्टी वाला को भी देख लिए, रूलिंग पार्टी को बदल के दूसरा पार्टी में भी डाल के देख लिए हैं, टीएमसी का भी देख लिए, कोई आके कुछ करता नहीं। तो हम लोग का ये स्ट्रांग दावी है कि आसनसोल से आप ऐसा आदमी दीजिए जो कि आसनसोल का दुख दर्द समझ सके। उनके ऊपर में कोर्ट से
परमानेंट इंजंक्शन है, टेम्पररी नहीं, परमानेंट इंजंक्शन है। सितला में एक जमीन की खरीद बिक्री को लेकर दो पार्टियों में विवाद हो गया। इसके बाद एक पार्टी राखी राय का दावा है कि उन्होंने जमीन खरीदने के करीब 1 करोड़ का एडवांस तनवीर हक को दिया था। वह यहां पर पेट्रोल पंप बनाने वाली है, लेकिन अब वह जमीन देने से मुकर रहा है। इसे लेकर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई आरोप लगाए। मेरे एक जमीन है सितला बाइकोकर पाड़ा के पास में, वहाँ पे एक पेट्रोल पंप के लिए हमने सैंक्शन करवाया था, हमारा पेट्रोल पंप बनने वाला है, उसमें ढेर सारे एनओसीज हमको मिल चुके हैं। उससे लगवा कुछ जमीन है जो एग्रीमेंट के थ्रू हम लेने वाले थे, और उसके ऊपर में कोर्ट केस चल रहा है, इंजंक्शन भी होके पड़ा हुआ है। सामने की जो जमीन है, जो मेरा एंट्रांस है, वहाँ पे पीछे में, उसके ठीक पीछे में तनवीर हक बोल के एक आदमी का जमीन है, जो पहले मेरे साथ एग्रीमेंट में इंटर करता है। एग्रीमेंट में इंटर करने के बाद उनके साथ हमारी 2.5 करोड़ पे बात तय होती है। 1 करोड़ देने के बाद में, कुछ 1 करोड़ से कुछ कम पैसा देने के बाद में वो हटा, तो उनको कोई बेटर चॉइस मिलता है, जिसके वजह से वो क्या करते हैं, हमें बोलते हैं कि हम आपको अब ये जमीन नहीं बेचेंगे। जब वो बोलते हैं नहीं बेचेंगे, तो इन द मीन टाइम हम लोग उनको बहुत बार समझाने की कोशिश करते हैं, बट वो नहीं समझते, तो हम लोग कोर्ट में केस करते हैं। कोर्ट में उनके जमीन पे परमानेंट इंजंक्शन हो जाता है। इवन अब ऑर्डर होने वाला है कि या तो कोर्ट से वो रजिस्टर्ड होगा, या फिर वो मतलब फाइनल ऑर्डर पे तरफ में केस जा चुकी है। उसके सामने की जो जमीन है मेरी, उनके जमीन के सामने की जो जमीन है, उसके बगल में हमारा पेट्रोल पंप बन रहा है, और सामने की जमीन भी हमारी है। जब से उनको ये पता चला है, वो इंटेंशनली वहां पे बार बार वहां के कुछ लोकल 4-5 लोगों को लेकर एक मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिर मतलब एक, हम लोगों ने बाउंड्री बनाने के लिए सीमेंट सानने के एक बेदी टाइप का बनाया, तो वहां पे उन्होंने झंडा गाड़ दिया, कीर्तन शुरू करवा दिया, खर्चा उर्चा दे के वहां के लोगों को, लोकल लोगों को उसकाया कि अगर ये जमीन आप लोग दखल कर लोगे, जो लोग कुछ भी नहीं समझते उनको पैसा दे के ये जमीन अगर आप दखल कर लेंगे, पार्क बनाएंगे, आपके लिए सुविधा होगा, आपके बच्चे खेल पाएंगे। पर्सनल जमीन, रिकॉर्डेड प्रॉपर्टी को उन्होंने फिर बीएलआर में भी केस किया, नहीं ये इनकी रिकॉर्ड नहीं हो सकती, ये हम लोग जमीन, आप बीएलआरओ में भी जाएंगे वहां पे भी देखेंगे कि हमारा वहां पे केस चल रहा है, और वो भी हमारे पास में उनके भी नो ऑब्जेक्शंस के सारे सर्टिफिकेट एडीडीए के दूसरे जो भी मेरे पास हैं जमीन के। इसके अलावा उस जमीन में ये आपको मैं कुछ पेपर्स डॉक्यूमेंट्स दिखा रही हूँ जो कि ओरिजिनल है। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है, ये हाईकोर्ट से ऑर्डर हुआ था, कमिश्नर को डायरेक्ट किया गया था कि वो जमीन डायरेक्ट, वो जब भी हम लोग बाउंड्री करें तो पुलिस जो है हमें मदद करेगी, ये पेट्रोल पंप करेंगे हम लोग, वहाँ पेट्रोल पंप करने में जैसे कोई बाधा ना हो, वहाँ पे जब भी हम बाउंड्री करें तो कोई बाधा ना हो। वो आदमी हर किसी को एक ऑर्डर कॉपी दिखा रहा है कि ये जमीन इनकी रिकॉर्ड नहीं होगी, रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ये बीएलआरओ और अथॉरिटी का मैटर है, वो समझेंगे कि जमीन रिकॉर्ड होगी कि नहीं। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है वो बीएलआरओ में जाके ऑब्जेक्शन कर सकता है। दूसरा देखिए, ये वहां उस प्रॉपर्टी पे जिसपे वो लोग मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी जम के काम चल रहा है, जम के काम कर रहे हैं वो लोग, जबरदस्ती मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जाने से वहां प्राण नाश की उनकी दे रहे हैं। ये ऑर्डर कॉपी है, ये ऑर्डर कॉपी एकदम ओरिजिनल ऑर्डर कॉपी है कोर्ट का, जिसमें लिखा हुआ है इंजंक्शन है उस जमीन पे, वो जमीन पे कोई भी मतलब मेरे अगेंस्ट कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में, साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। रमजान का पाक महीना आया है, चारों ओर खुशियों का बहार छाया है, तभी तो श्री बालाजी फैशन रेडीमेड सूट और सूट पीसों का संभार लाया है। जी हाँ, महिलाओं का जाना पहचाना शोरूम श्री बालाजी फैशन लेकर आया है एक्सक्लूसिव डिजाइन के रेडीमेड सूट एंड सूट पीसेस। इसके अलावा डिजाइनर साड़ियों का संभार, साथ ही है मान्यवर के अट्रैक्टिव कलेक्शन। आज ही आना श्री बालाजी फैशन, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल, एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा। ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लैस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन
फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेवल पार्क, आसनसोल 3। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जींस, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग, ऑपोजिट गुड़ाई मंसर, नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुड़ाई रोड, आसनसोल। आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत कन्यापुर में सीतारामपुर बाराबनी रेल खंड पर रेलवे द्वारा लाइन पार कर इस्तेमाल किया जा रहे रास्ते को बंद करने का ग्रामीणों ने भारी विरोध किया। ग्रामीणों के हंगामा के कारण रेलवे को वापस लौटना पड़ा। इस रास्ते को लेकर वर्षों से बात चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यह उनके आवागमन का रास्ता है, वहीं वर्षों से इस रास्ते से ही लोग आवागमन करते हैं। इसे लेकर पहले भी रेलवे के लोग आए थे, लेकिन तब आश्वासन दिया गया था कि रास्ते को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन अब अचानक फिर रेलवे से बंद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह लोग किसी भी हाल में इस रास्ते को बंद नहीं होने देंगे। এখানে প্রত্যেক বছরে আসে একবার করে তালকি ভেলকি করতে থাকে, গেট বন্ধ করার জন্য, রাস্তা বন্ধ করার জন্য এটা চেষ্টা করে, আমরা বাধা দিই। এই নিয়ে অনেকবার কমপ্লেন দেওয়া হয়েছে, কোনো কোথায় ওরা শুনে না। এইবারও এসেছে, বলছে আরপিএফ নিয়ে আসছে, আমাদেরকে নাকি মারধর করে ঢুকাবে, গেট বন্ধ করবে, এই রাস্তা বন্ধ করবে, তারপরে ওরা কি করবে, আমরা এটা হতে দেবো না। ECL के सेंट्रल वर्कशॉप प्रबंधन द्वारा या कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों के स्कूल बस का परिचालन बंद कर दिए जाने से अभिभावकों में काफी आक्रोश है। आज इन अभिभावकों ने पार्षद सौरव मांझी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया, यहां के एजेंट से मुलाकात की और जानने की कोशिश की आखिर बिना किसी नोटिस के इतनी गर्मी में स्कूल बस का परिचालन क्यों बंद कर दिया गया। कहा कि सेंट्रल वर्कशॉप के कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि अचानक यहां के प्रबंधन द्वारा स्कूल बस का परिचालन बंद कर दिया गया है, जिससे बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण पूछा तो उन्होंने कारण बताने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने यह कहा कि अन्य इलाकों में, यहां तक कि ईस्टर्न कोलफील्ड के मुख्यालय में भी स्कूल बस का परिचालन चल रहा है, तो अचानक यहां पर किस कारण से बंद कर दिया गया। মানে সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপের এমপ্লয়ি আছে এবং লোকাল যারা আছে তাদের জন্য স্কুল বাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল। বেশ কিছুদিন ধরে স্কুল বাসটা বন্ধ করে দিয়েছে লোকাল পাবলিক। আমাকে লোকাল কাউন্সিলর হিসেবে ওনারা বলেছিলেন, এরপরে আমি স্যারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম, এডিটার সঙ্গে, উনি সরাসরি বলছেন যে আমরা বন্ধ করে দিয়েছি, আমরা চালু করতে পারবো। এজেন্ট সরাসরি বলছে আমরা চালু করতে পারবো। অন্যান্য জায়গায় চলছে কি? বেশিরভাগ জায়গায় তো দেখছি বাস চলছে, কোথাও রকম কোনো বাস বন্ধ নেই। শুধুমাত্র সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপে এজেন্ট কীভাবে বন্ধ করছে না বলছে উনি জানেন, উনি সরাসরি বলছে আমরা কোনো রকম ভাবে চালু করতে পারবো না, আমাদের এমপ্লয়ি দিয়েছি। স্কুল বাস তো হঠাৎ বন্ধ করে দিয়েছে, আমার তো ডেলি বাস ডেলি যায়, এখন তো কোনো উপায় পাঠানো হচ্ছে, হ্যাঁ অনেক অসুবিধায় পড়ে গেছি। অন্য অন্য জায়গায় কি বাস বন্ধ করেছে? সব জায়গায় বাস চলছে, হেডকোয়ার্টারে চলছে, এরিয়াতে চলছে, শুধু আমাদের ওয়ার্কশপে বন্ধ করে দিয়েছে। प्रहर के प्रायोजक हैं वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, BN घाटी, सुधा उद्योग,